यह वीडियो सिर्फ जानकारी और नॉलेज के उद्देश्य बनाई गई है। इस वीडियो को देखकर कोई भी खुद से ट्रीटमेंट ना ले। किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, उसका यूज किया है, उसकी डोज क्या है, ये सब सीखेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। हमारी पहली मेडिसिन है फीवर को ठीक करने वाली मेडिसिन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासिटामोल होता है या बुखार को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप देख सकते हैं मार्केट में डिफरेंट टाइप के ब्रांड आते हैं, जैसे T98 ड्रॉप हो गया, मेडोमोल ड्रॉप हो गया, कॉल्पोल ड्रॉप हो गया, डोलो ड्रॉप हो गया, क्रोसिन ड्रॉप हो गया। आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का कंपोजिशन जो होता है पैरासिटामोल ही होता है। अब इसके डोज की बात करें तो इसे 15 mg प्रति kg के हिसाब से बच्चों में देना होता है। अगर कोई बच्चा 5 kg का है तो 15 × 5 75 mg का डोज उसका होगा। अगर कोई बच्चा 10 kg का है तो उसका डोज 150 mg होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड और कफ में यूज होने वाली मेडिसिन। इसका कंपोजिशन जो होता है क्लोरफेनिरामाइन, मेलेट, पैरासिटामोल, फेनिल एफरिन, इसका कंपोजिशन होता है। आप देख सकते हैं इसमें भी डिफरेंट टाइप के ब्रांड आते हैं, सॉल्विन कोल्ड हो गया, सोमो कोल्ड हो गया, फेवरेक्स प्लस हो गया, नोब्लॉक हो गया। आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसे डोज की बात करें तो इसे 3 से 6 महीने में 1 mLBD दिन में 2 बार देना होता है बच्चों में, और 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसे 2.5 mLBD दिन में 2 बार दे सकते हैं, और अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो 5 mLBD इसे दिन में 2 बार देना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एलर्जी कंडीशन को ठीक करने वाली मेडिसिन। इसका कंपोजिशन जो होता है सिट्रिजिन होता है। इसका प्रयोग शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाए, सूजन हो जाए या इचिंग हो रही हो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी बॉडी में एलर्जिक कंडीशन हो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इसे 1 साल के ऊपर के बच्चों में प्रयोग किया जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप के ब्रांड आते हैं, आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा 3 से 6 महीने का है तो उसे 1 mLBD दिन में 2 बार देना होता है। अगर कोई बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसे 2.5 mLBD दिन में 2 बार देना होता है। अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसे 3.5 mLBD दिन में 2 बार देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी रैनी नोज और छींक आने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लेबोसिट्रिजिन और मोंटिलुकास्ट होता है। आप देख सकते हैं मोंटेन एलसी किट ब्रांड और मोंटिकोप ब्रांड, यह 2 ब्रांड मार्केट में आते हैं। आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इसे डोज की बात करें तो इसे 5 साल के ऊपर के बच्चों में ही प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो उसको 3 mLBD दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 2 साल के ऊपर का है तो 5 mLBD इसे दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी अस्थमा ब्रोंकाइटिस खांसी में प्रयोग होने वाली मेडिसिन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टर्बुटालाइन प्लस ब्रोमहेक्सिन होता है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो ग्रीन लिंटस BM बहुत ही फेमस ब्रांड इसका आता है। इसका प्रयोग 5 साल के ऊपर के बच्चों में करना चाहिए। इसके डोज की बात करें तो अगर कोई बच्चा 4 साल के ऊपर है तो उसे 5 mLBD दिन में 2 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होने वाली मेडिसिन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ओफ्लोक्सासिन होता है। इसका प्रयोग स्किन इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसमें ओफ्लोक्स 100, जेनफ्लोक्स और जेनकोसिन 100 नाम से इसके ब्रांड आते हैं। आप इनमें से कोई भी एक ब्रांड इसको ले सकते हैं। इन सभी का कंपोजिशन जो होता है ओफ्लोक्सासिन ही होता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे 1 साल के ऊपर के बच्चों में प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसे 3 mLBD दिन में 2 बार दिया जा सकता है, और 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसे 5 mLBD दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 1 साल के ऊपर का है तो उसे 5 mLBD दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होने वाली मेडिसिन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सिफेक्सिम होता है। इसका यूज टॉन्सिल, ब्रोंकाइटिस और ईयर इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है। ये 2 वेरिएंट में आते हैं, एक 50 mg सिफेक्सिम और एक 100 mg सिफेक्सिम। 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें सिफेक्सिम 50 mg का प्रयोग किया जाता है, और जो बड़े बच्चे होते हैं 6 महीने से उसमें 100 mg का प्रयोग किया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं, आप इनमें से कोई भी एक ब्रांड दे सकते हैं। तो डोज की बात करें तो इसके GV50 का प्रयोग 6 महीने से छोटे बच्चों में किया जाता है। इसका डोज 2 mLBD दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं, और 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसमें GV100 दिया जाएगा, और 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसमें भी GV100 दिया जाएगा 5 mLBD दिन में 2 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी, इसका भी प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अजिथ्रोमाइसिन 200 mg में होता है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो अजी, अजिथ्राल और बिग जिट नाम से मार्केट में आते हैं। आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी का कंपोजिशन जो है सेम होता है अजिथ्रोमाइसिन। इसके यूज की बात करें तो टॉन्सिल, ब्रोंकाइटिस और ENT इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। ENT मतलब ईयर, नोज और थ्रोट में इन्फेक्शन होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसका प्रयोग 6 महीने से ऊपर के बच्चों में करना चाहिए। कोई बच्चा 6 महीने से 12 महीने का है तो उसे 2.5 mLBD दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसे 5 mLBD दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन भी हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली मेडिसिन है। इसका कंपोजिशन जो होता है एमोक्सिलिन, कार्बोनिक एसिड। इसका यूज स्किन इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, ENT इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो
इसे 6 महीने के ऊपर के बच्चों में प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर इसको 6 महीने से छोटे बच्चों में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है तो आप उसे दे सकते हैं। 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसे 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसे 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन भी हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली मेडिसिन है। इसका प्रयोग पेट में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ऑफ्लोक्सासिन मेट्रोनिट्राजोल होता है। इसका प्रयोग पेट में संक्रमण होने पर दस्त, लूज मोशन और पेचिस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इसे 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जाना चाहिए। अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो 5 ml बीडी दिन में 2 बार इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दस्त में प्रयोग होने वाली मेडिसिन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। इसका प्रयोग डायरिया, दस्त में किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 6 मंथ से छोटा बच्चा है तो उसे आधा सैचेट पिलाना होता है। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसे पूरा 1 सैचेट पिलाया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है उल्टी वोमिटिंग में यूज होने वाली मेडिसिन। अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो दूध पीता है तो उसको भी उल्टी कर देता है, खाना खाता है तो उसको भी उल्टी कर देता है, और अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है पेट में तो उसमें भी वो उल्टी करता है। तो ऐसे स्थिति में प्रयोग होने वाली मेडिसिन है हमारी ओंडेंसेट्रोन। आप डिफरेंट ब्रांड देख सकते हैं, मार्केट में आते हैं, आप इनमें से कोई ब्रांड ले सकते हैं। एक साल्ट डोमप्रेडोन भी आता है, आप उसका भी प्रयोग उल्टी में कर सकते हैं। उसका ब्रांड नेम डोमडेन है। कोई बच्चा 6 महीने तक है तो उसको 0.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 6 महीने से 12 महीने का है तो उसे 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसे 5 ml बीडी दिन में 2 बार देना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सलाइन नेजल स्प्रे। इसका प्रयोग नाक बंद होने पर बच्चों में किया जाता है। अगर कोई बच्चे को नाक बंद है, जकड़न है, उसे सांस नहीं ले पा रहा है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसका प्रयोग बच्चों में नाक बंद जकड़न में प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो बच्चों में इसे 2-2 बूंद नाक के छेद में डालना होता है। दिन में 2 बार इसे डाला जा सकता है। ध्यान है इसे ज्यादा नाक में मत डालें, 2 या 3 दिन तक ही इसका प्रयोग करें, उससे ज्यादा इसका प्रयोग न करें। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी पेट दर्द को ठीक करने वाली मेडिसिन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाइसाइक्लोमाइन प्लस सेमेथिकोन का कंपोजिशन होता है। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसमें कॉलीमैक्स ड्रॉप आते हैं। इसे घर पर जरूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चों में पेट दर्द की समस्या आम होती है। इसके यूज की बात करें तो पेट में कोई ऐठन हो, पेट दर्द कर रहा हो, पेट में एसिडिटी हो या पेट में गैस बनी हो, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसे 1 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है, और 6 महीने से 12 महीने कोई बच्चा है तो उसे 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है, और 1 साल से कोई बड़ा बच्चा है तो उसे 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स। इसके यूज की बात करें तो बच्चे जो कुपोषित होते हैं, इनका सही विकास नहीं होता है या बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं या कोई बीमारी हो गई है, उससे कमजोर हो गए हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इससे इम्यूनिटी बच्चों की इंक्रीज होती है। इसके डोज की बात करें तो 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसमें 1 ml ओडी दिन में 1 बार दिया जाता है, और 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसे 2 ml ओडी दिन में 1 बार दिया जाता है, और 1 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो 5 ml ओडी दिन में 1 बार दिया जाता है। जो मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल्स ड्रॉप होते हैं उसका प्रयोग दिन में 1 बार ही करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है तो उसका प्रयोग आप 2 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी बच्चों में एनेमिया में प्रयोग होने वाली मेडिसिन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फेरिस एस्कॉर्बेट विटामिन B9 होता है। इसके यूज की बात करें तो बच्चों में आयरन की कमी और खून की कमी में एनीमिया में प्रयोग किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो उसे 1 ml ओडी दिन में 1 बार देना होता है, 6 महीने से 12 महीने का बच्चा है तो उसे 3 ml ओडी दिन में 1 बार देना होता है, और 1 साल से ऊपर का कोई बच्चा है तो 5 ml ओडी दिन में 1 बार से दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टाइक्लोफोस का कंपोजिशन होता है। यह मार्केट में पेडिकोलोरियल नाम से मेडिसिन आती है। इसका प्रयोग बच्चों में दर्द, चिंता, घबराहट में प्रयोग किया जाता है। इसको पिलाने के बाद बच्चों में सुस्ती आ जाती है और वो सो जाते हैं। इसे डोज की बात करें तो 30 से 50 mg का डोज बच्चों को दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर ही इसको बच्चों में दें। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एंटीवॉर्म। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एल्वेंडाजोल होता है, और इसका यूज जो है पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसको पिलाने से पहले बच्चों को कुछ मीठा खिला देना चाहिए। इससे दवा की पावर 5 गुना तक बढ़ जाती है। इसको पिलाने का सही तरीका जो है, रात में जब बच्चे सोने चलें उस वक्त बच्चों को पिला देना चाहिए। इससे दवा का काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके डोज की बात करें तो 3 महीने से अगर छोटा बच्चा है तो 2.5 ml इसे ओडी दिन में 1 बार देना चाहिए, और 6 महीने से 12 महीने के बीच का बच्चा है तो 3 ml इसे ओडी 1 बार देना चाहिए, और 1 साल से 3 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml ओडी दिन में 1 बार देना चाहिए। अगर कोई बच्चा 3 से 10 साल का है तो उसे 10 ml ओडी दिन में 1 बार देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी बच्चों की मेडिसिन के बारे में। हमने सारे टॉपिक और सारे मेडिसिन को कवर करने की कोशिश की है। अगर हमसे कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।